केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की थी। विपक्ष इस सत्र का एजेंडा बताए बिना संसद की बैठक बुलाने का लगातार विरोध कर रहा था, लेकिन इन सब कयासों पर अब विराम लग चुका है। सरकार ने बुधवार शाम इस सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों की घोषणा कर दी है। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक यह सत्र देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष में बुलाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। आज हम आपको बताएंगे कि सरकार ने यह सत्र क्यों बुलाया, क्या कारण है इस सत्र को बुलाने के पीछे का। आइए जानते हैं। इस विशेष सत्र में 4 विधेयक चर्चा के लिए रखे गए हैं, जिन्हें संसद की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। 18 सितंबर से शुरू होने वाले बिलों में ऐसी क्या खासियत है कि इनको पास करने के लिए सरकार ने इंतजार नहीं किया और सरकार को संसद का यह विशेष सत्र बुलाना पड़ा। आइए हम आपको बताते हैं इन 4 विधेयक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023 के बारे में। इस बिल में अपनी उपयोगिता खो चुके सभी अप्रचलित कानूनों को या फिर स्वतंत्रता पूर्व से पहले के अधिनियमों को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार लोकसभा में पेश करेगी। इस बिल में लीगल प्रैक्टिशन एक्ट 1869 को निरस्त करने का फैसला है, तो वही अधिवक्ता अधिनियम 1961 को भी संशोधित किया जाएगा। इस विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी दलालों की सूची बना और प्रकाशित कर सकते हैं। कानून की पढ़ाई और कानूनी प्रशासन में आवश्यक परिवर्तनों के लिए भी सरकार अहम कदम उठा सकती है। एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023 के बाद बात करते हैं प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 के बारे में। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता शुरू करना है। इस बिल से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अगर आप अखबार शुरू करना चाहते हैं तो आप जिला कलेक्टर के पास आवेदन कर सकते हैं। प्रेस का संचालन नहीं करने के लिए कई दंडात्मक प्रावधानों को हटा दिया है। इस बिल के लागू होने के बाद डिजिटल मीडिया भी रेगुलेशन के दायरे में आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं डाकघर विधेयक 2023 के बारे में। डाकघर विधेयक 2023 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक डाकघर को पत्र भेजने के साथ साथ पत्र प्राप्त करने, एकत्र करने, भेजने और वितरित करने जैसी आकस्मिक सेवाओं के विशेष अधिकार को खत्म करता है। इस विधेयक में डाकघर खुद का विशिष्ट डाक टिकट जारी कर सकेंगे और उनके पास ऐसा करने का विशेष अधिकार होगा। आखिर में बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 के बारे में। इस विधेयक पर सरकार का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 324 में कोई संसदीय कानून नहीं था, इसलिए सरकार अब इस समस्या को खत्म करने के लिए इस विधेयक का निर्माण कर रही है। इस बिल की विशेषताओं पर बात करें तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, सदस्य के तौर पर लोकसभा के नेता विपक्ष होंगे, लेकिन यदि लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता नहीं दी गई है तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता यह भूमिका निभाएगा। वही प्रधानमंत्री एक सदस्य के तौर पर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को नामित कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक संसद के इस स्पेशल सेशन से पहले 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। इसके लिए सभी नेताओं को ईमेल के जरिए आमंत्रण पत्र भेज दिए गए हैं। ये सर्वदलीय बैठक 17 सितंबर की शाम को 4:30 बजे होगी। आपको बता दें, विपक्ष को सरकार की इस मंशा पर शक था कि सरकार आखिर ये विशेष सत्र क्यों बुला रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस सत्र में सरकार केवल इन 4 विधेयक पर ही चर्चा करती है या फिर इस सत्र से और कोई छिपा हुआ एजेंडा भी बाहर आ सकता है। शुक्रिया।